जेनेसी की वेलकम टू म्यूजिक बॉक्स। म्यूजिक और सॉन्ग्स तो बहुत से टॉपिक्स पर लिखे हैं, पर सबसे चर्चित टॉपिक है लव। बहुत सी बार सुना होगा आपने प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में, लेकिन आज के शो में मेरे पास आपके लिए बहुत से लव सॉन्ग्स हैं, पर ये प्यार जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सैक्रिफिशियल और अनकंडीशनल प्यार है, जिसमें कोई शर्त यानी कि कंडीशन नहीं है। आज के शो के प्यार के गीत हैं बाय डैनी डीसीएस, हालेलुया द बैंड और एक ब्रिलियंट सॉन्ग जो कि आप बिल्कुल मिस मत करें बाय हैंसन अगस्टिन एंड विक्टर नास। पर आज हम सुनेंगे एक ऐसी टीनेजर की कहानी जिसने फेस किया आत्मिक अंधकार को अपने अंकल की मौत के बाद। हम जानेंगे क्यों दुनिया के सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग ने अपनी पावर एंड पोजीशन को गिव अप किया। पर पहले डैनी डीसीएस विद अ सॉन्ग अबाउट द अल्टीमेट सैक्रिफाइस ऑफ लव। सलीम मेरे यीशु चुके ले, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। मेरी सलीम मेरे यीशु चुके ले, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। मुक गई, मुक गई, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। मुक गई, मुक गई, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। चपेड़ा मार दे मेरे शापी नू, देखो सूली चाड़ दे। दाड़ी नू पुट दे चपेड़ा मार दे मेरे शापी नू, देखो सूली चाड़ दे। दुखा देने वाली लोको गल मुक गई, गल मुक गई, लोको गल मुक गई। मार खाई जो नाम बोलिया, झूठिया कवाइया नाना यसु डोलिया। खून बोने वाली लोको गल मुक गई, गल मुक गई, लोको गल मुक गई। गल सच दी खाली पई कब लोको एह दस दी, जिंदा होया यीशु है गल सच दी। यीशु नाम नाल मौती गल मुक गई, गल मुक गई, लोको गल मुक गई। मेरी सलीम मेरे यीशु चुके ले, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। मेरी सली मेरे यीशु चुक ले, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। मुक गई, मुक गई, मेरे पापा वाली सजा मुक गई। My sins have a price, but eternal death can become eternal life. Because of your great love, you died willingly. And as you hung on the cross to save
took your life. You said it is finished. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए ताकि हम दोबारा खुदा बाप से जुड़ सके, उसने नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, ही सेड इट इज फिनिश्ड। उसका मिशन जीवन में था कि अपनी जान को कुर्बान करना आपके और पूरी दुनिया के लिए। हम सबके अच्छे कर्म मैले कपड़ों के समान हैं उस महान परमेश्वर के सामने, पर प्रभु यीशु ने हम सबके लिए रास्ते को तैयार किया। कुछ ही देर में हम सुनेंगे एक और सॉन्ग जो हमें बताता है उस ताकत के बारे में जो अंधकार की ताकतों पर प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा हमें मिली है। पर पहले हम सुनेंगे एक टीनेजर की सच्ची कहानी जिसे दुष्ट आत्मा परेशान करती थी। उसने बहुत से रास्तों को अपनाया। ये है रचना मुल्ला की सच्ची कहानी। सारें जैमसी दी, मेरा नाम रचना है, लुधियाने दी रहने वाली हाँ। 3 साल जिस मेरे मामा जी नानके लग गए मैनु, उन्होंने मैं 10 साल बाद फिर उन्होंने की डैथ हो गई सी। उन्हें डैथ होने तो बाद मैं डर लगन लग गया सी, आवाजा लग गई सी। मैं नानी ने दसिया भी मैं आवाजा आदियां ने, तो उन्होंने कहना कोई नहीं तेने वह मैं वैसे ही। नौ साल हो गए मैं ठीक नहीं होंगी सी, कभी मैं दोपहर में सुती होंगी सी, शैतान मेरे लागे नाल सुता होंगे, कभी हाथ फड़ के कभी कमर से हाथ रख के सुता होंगे सी। मैं जो उठ जाती थी मैं उठा नहीं जाता, दबा इन्नी जोर दी पैन रखा आवाज, मैं आवाज मारती रहनी पर मेरी आवाज नहीं किसी ने सुननी। मैं दोपहर में डरती सुनती नहीं होंगी, इन्ना डर लगता होंगे सी मैं। फिर मैं नानी ने किसी दिन एक दिन दसिया कि मैंने इदा आवाजा आदि, उन्होंने कहा भी तेन चल बाबे किसी को ले जानी ठीक हो जाएगी तू। और किसी बाबे को भी नानी ने खड़िया तो उन्होंने कहा भी काला कपड़ा तो एक तेल की बोतल दे दो तो ठीक हो जूगी। और 2 दिन बाद मैं गई इत फिर दोबारा गई तो ज़्यादा मैं डर लगन लग गया सी। मेरी नानी कहती है ठीक तो होंगी नहीं, उन्हें भी नहीं खड़ना तेन उ। फिर किसी और बापे को खड़िया, उन्हें भी उन्हें क्या भी लाचियां मैं दिना करके तो फूक मार दें तो लाची दिना सी। उत भी गई, उन्होंने भी ठीक नहीं, धागे बथेरे पा देने, धागे दे देने, तवीत बना के दे देते होंगे सी, उन्हें भी ठीक नहीं हुई। तीसरे बाबे को खड़ा तो उन्होंने भभूति जी दिते होंगे सके सवा जी, तो कहते खाओगे तो ठीक हो जाओगे, सराहने रख्या करो ये कुड़ी दे ठीक हो जूगी। वो नाम नहीं आराम आया मैं। फिर मेरी मम्मी आई तो मम्मी ने मैं क्या भी मैंने उसे लुधियाने ला जा अपने को, मैंने उसे डर बड़ा लगता है। फिर किसी ने कहा सी बी सी दी वो एशिया लैके जाओ उ ठीक हो जूगी ताकि कुड़ी। फिर मम्मी इतने लैके आया मैंने सी बी सी चर्च से। फिर दो हफ्ते हुए मैं बिल्कुल ठीक हो गई, होंगी होंगी ठीक हो गई। 4 महीने के मैं बिल्कुल ठीक हो गई, कभी शैतान ने अटैक नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हाँ। बड़ा डर दी काफ़ी प्रभु का नाम लैनी, फिर मैं विश्वास हो गया।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਨੌ ਸਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ CVC ਦੀ ਵਰਸ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ The spirit realm is real and powerful. Evil spirits aapke jeevan aur ghar mein logon ke dwara aa sakti hain. Par sirf ek hi rasta hai aur ek hi insaan hai jo unko aapke jeevan aur ghar se door kar sakta hai aur wo hai Yesu Masih. Agar aaj dusht ka saaya aap bhi apne aas paas mehsoos kar rahe hain aur aapko madad ki zarurat hai to is channel ko contact kare. Still to come hum sunenge about how the most powerful man who ever walked this earth gave up everything just for you. Par abhi ye brilliant song us taakat ke bare mein jo humne receive ki hai har mushkil par jeet paaye के लिए तो गौर से सुने और समझें द सीक्रेट टू दिस पावर हियर्स हालेलुया द बैंड विच जंग दे बेखौफ पैर तरी दे असी ते यहोवा दे हां खून करी दे तू हथियारा ना मुहाज लड़ी दे खरीदे आकाश तो जद लश्कर आंदे फिराउन समंदरा रुल जांदे बस एक पला कनवार देना जो है किला दे सिर खुल जांदे ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ
The secret of the power to overcome all of life's difficulties is found in understanding the sacrifice Jesus made on the cross. उसका जीवन उससे लिया नहीं गया था, बल्कि उसने खुद अपना जीवन आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया. That's the greatest love of all, that while we were still far away from God, He gave His only Son so that we would be reconciled to God. जहां अंधकार की ताकत हम पर जीत हासिल ना कर सके. थोड़ी देर में हम अपना फाइनल सॉन्ग सुनेंगे जो एक्सप्लेन करेगा द सेवन वर्ड्स क्राइस्ट स्पोक व्हाइल ही वाज़ स्टिल ऑन द क्रॉस. पर पहले हम जानेंगे क्यों द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग टू वॉक दिस अर्थ मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस ऑफ लव. जानते हैं हरिदास से. आदम के गुनाह के द्वारा मौत मानव जाति में प्रवेश कर गई. परमेश्वर के पास इसके छुटकारे का एक उपाय, एक योजना थी, और वो है एक महान उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह. प्रभु यीशु मसीह, अब समय आ चुका था कि जब उसे अपने पिता की योजना को पूरा करना था और उसे अपना एक जीवन मेमने के मानिंद बिताना था, जो दुनिया के गुनाहों के लिए मार डाला गया एक बार के लिए और सबके लिए. उसने अपने खून का पसीना बहा दिया, ऐसे जैसे उसकी आत्मा मौत के लिए निचोड़ दी गई हो. उसने तीन बार अपने पिता से इस योजना को बदलने के लिए पूछा, क्या कोई और दूसरा रास्ता है? क्या ये मुझे ही करना होगा? पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं. यीशु एक मनुष्य का बेटा, एक दुष्ट आदमी के द्वारा धोखा दिया गया, एक मौत के चुंबन के द्वारा उसे धोखा मिला, लेकिन परमेश्वर अपने संतुलन में था. वो सलीब पर जाता हुआ भी अपने दुश्मनों को चंगाई दे रहा था. वहां के धार्मिक लोग, धार्मिक नेता अपने दुष्ट कामों के लिए उसे नष्ट करना चाहते थे. वो जो उनकी असुरक्षा के लिए उन्हें आजाद कर सकता है, अपने दुष्ट कामों की योजना को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने वहां की भीड़ को भी भड़काया. उसकी निंदा की गई, उसे त्याग दिया गया, उसकी हंसी उड़ाई गई और उसे मार डाला. यीशु मसीह ने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, उसे 39 कोड़े मारे गए और यहां तक कि मार मार कर उसकी पीठ छलनी कर दी गई. हर तरह की वो बीमारी, वो जो एक आदमी की पीड़ा देती है, उसके हाथों और पांव में कीले ठोकी गई, उसकी धमनियों में, उसकी नसों में, यहां तक कि उसकी नसों में भी कीले ठोकेगी, जो कि एक मानव की मान्यता से परे है, जिसे दुनिया के गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीब पर दे दिया. जब वो सलीब पर था, उसने फरिश्तों की फौज को नहीं बुलाया, उसने अपने आप को हर एक के लिए दे दिया ताकि हमें हमारे गुनाहों से आजादी मिल सके. जब उसने अपनी आखिरी सांस सलीब पर ली, तो उसने अपने पिता की योजना को पूरा किया और पिता ने अपना मुंह फेर लिया. पिता के आंसू बताते हैं कि उसका बेटा मर गया. कुर्बानी के द्वारा उद्धारकर्ता ने अनंत मृत्यु के द्वार में, दायरे में प्रवेश कर लिया ताकि मानव जाति को उद्धार मिल सके. अक्सर कहा जाता है, सच्ची कामयाबी के लिए कुर्बानी जरूरी है. अगर आज आप अपने जीवन की मुश्किलों को ओवरकम करना चाहते हो, अगर आज कामयाब जीवन जीना चाहते हो, तो जान लें कि कुर्बानी तो दी जा चुकी है. प्रभु यीशु ने अंधकार की ताकतों पर हमेशा की जीत पाई है हर एक इंसान के लिए. ऑल यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट एंड रिसीव व्हाट ही इज डन फॉर यू. दैट विल मेक यू मोर देन अ कॉन्करर, माई फ्रेंड्स. मैं आपके लिए दुआ करूंगी. अगर आप अग्री करते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज से आमीन, जिसका मतलब है आई अग्री. आइए अब हम प्रार्थना करेंगे. आप भी मेरे साथ सर झुकाकर प्रार्थना कर सकते हैं. अगर आपका दिल कर रहा है, आप आंख बंद कर सकते हैं, और अगर आपका दिल कर रहा है तो आप आंख खोलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं. फादर गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस वी कम टू यू. वी थैंक यू फॉर द सैक्रिफाइस दैट यू मेड फॉर अस ऑन दैट रगेड क्रॉस. वी थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू एंड वी ग्लोरीफाई यू एंड वी ब्लेस योर होली नेम. प्रभु, आज मैं प्रार्थना मांगती हूँ हर एक लिसनर के लिए
लिए जो कि इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है। हर एक इंसान को आज आप ब्लेस करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उन्हें आज खुदावन आज़ाद करें हर एक उस प्रॉब्लम के साथ, हर एक उस डिफ़िकल्टी के साथ जो कि अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं, और होने दें कि आज प्रभु वो आपकी पावर को रिसीव करें। इन जीसस नेम हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। I hope you said Amen, friends. You can get in touch with me, Sherry, through the contact shown at the end of the program. Until next time, I'll leave you with a final song, which is by Hanson Augustine and Victor Naz. This song is about the price of love. Wo kurbani jo saleeb par. Saleeb par Masih ne kaha, Abba, इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। सलीब पर मसीह ने कहा, ए बाप इन्हें माफ कर दे कि ये जो भी गुनाह इन्होंने सदा ये जो भी गुनाह इन्होंने सदा ये नहीं जानते कि ये करते हैं क्या जो रखते ईमान है मसीह पे सदा इन्हें माफी मिली है यही है पैगाम सलीब पर सलीब पर सलीब पर डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा सलीब पर डाकू से कहा तू आज ही फिरदौस में होगा साथ जिस डाकू ने उसको ठगा लिया जिस डाकू ने उसको ठगा लिया उस डाकू ने पाया था मुफ्त इनाम पहचान ले इकरार करे फिर मौका होगा नमक सदा सलीब पर सलीब पर सलीब पर माँ से कहा ए औरत देख तेरा बेटा ये है देख तेरी माँ ये है सलीब पर माँ से कहा ए माँ तेरा बेटा है ये तेरी माँ जिस माँ से हुआ पैदा वो इब्ने खुदा जिस माँ से हुआ पैदा वो इब्ने खुदा उसी माँ को था छोड़ के जाना पड़ा सलीब पर मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी सलीब पर मसीह ने कहा ए खुदा मुझे तूने क्यों छोड़ दिया वो तो मेरे गुनाहों से बोझल हुआ वो तो मेरे गुनाहों से बोझल हुआ वो तो मेरी खताओं से घायल हुआ उसे मेरी वजह से मेरी खताओं से छोड़ा गया सलीब
पर यीशु प्यासा हुआ, मैं प्यासा हूँ। सलीब पर यीशु प्यासा हुआ, मेरी जान प्यासी है उसने कहा। उसे पानी के बदले में सिरका दिया, उसे पानी के बदले में सिरका दिया, जिसे उसने ना चखना गवारा किया। मैं वो पानी हूँ जिसका वो प्यासा हुआ, मैं वो पानी हूँ जो उसको मिल ना सका। सलीब पर, सलीब पर, सलीब पर मसीह ने कहा तमाम हुआ। सलीब पर, सलीब पर मसीह ने कहा तमाम हुआ, अब मुकम्मल हुआ। जिन कामों को कोई भी कर ना सका, इन कामों को कोई भी कर ना सका, उसे अपने ही बेटे से मुमकिन किया। टूटे बंधन वो सारे, वो नस्ली गुना, मिली मुझको रिहाई लहू जो बहा। सलीब पर, सलीब पर, सलीब पर कहा ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सलीब पर, सलीब पर मसीह ने कहा मैं रूह अपनी सौंपता हूँ तेरे हाथ। ये कहते मसीहा ने दम दे दिया, मसीहा ने दम दे दिया, कि आजाद मुझको गुलामी में था। सलीबों में लिखा वो पूरा हुआ, दिया अपनी कफारा से पर्दा हटा। अगर आपको ये शो पसंद आया तो जरूर हिट करें सब्सक्राइब बटन को, नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आप अगले शो को बिल्कुल मत मिस करें। कीप वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।